तो हमारा हो गया जी भोजन पानी। भोजन पानी करने के बाद जो है अब बारी है यहाँ से निकलने की, और हमारा बहुत ही एक स्पेशल ट्रिप होने वाला है जिसका सरप्राइज रहेगा आप लोगों को। क्या घर देखा हुआ हो गया, आ जाएंगे, रास्ता मालूम चल गया। तो गाड़ी में बैठ गए जी, इंतजार कर रहे हैं जिया के आने का। तो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाय। रास्ते में ही मिल गया और गाड़ी में आ गया क्रियान। पापा कुछ ही रेडो फ्लाइंग की थी। तो हम लोग जी फिलहाल हो गए हैं तैयार, और यहाँ से जो है हम लोग खाना पीना खा करके जो है यहाँ से निकलेंगे। और पीछे शिवांश अपना जो है कार्टून देख रहे हैं, साथ में गेम भी है तो गेम भी खेल रहा है। बंद हो गया, इसको ऑन कर दो। तो यहाँ पर जी हमारा खाना लग गया है, तो खाने में देख सकते हैं जी एकदम वैरायटी है, जबरदस्त सब है। और मिठाई जो है आज हमें कुछ अलग तरह का मिला है, ये रसमलाई। रसमलाई है, ओके। कल खाए थे रस माद्री, वो सूखा होता है, ये रस होता है, इसमें इसका पानी वो क्या बोलते हैं, ये जो होता है, और इसमें रसगुल्ला होता है, रस होता है इसी टाइप का। हाँ, ये मिलता है हम लोग के साथ। हाँ, वो चीज नहीं मिलता कल जो आप खिलाए थे रस माद्री। और ये रहा जी चिप्स, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद रहता है। चिप्स नहीं, हम लोग इसको चरौड़ी बोलते हैं। ये हमको लग रहा है वो है, क्या बोलते हैं, ये है, बताते हैं, सूजी वाला होगा, सूजी या साबूदाना, जीरा राइस का। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं, आप किचन में उठ के देखिए पीछे का व्यू कितना बन रहा है। किचन से नजारा बहुत जबरदस्त है। लगता है ना मुझे आपका घर एकदम फार्म हाउस में जैसे नहीं बनाते हैं, खेत के बीच में घर है, सुंदर बात सही है। तो खाया जाए। और मैं बोलना चाहूंगी कि रुद्र भाई के चैनल पे कुछ दिनों में आएगा ना आपका वो होम टूर, तो उसमें देखिएगा। मैंने इनको बोला कि आप पूरा दिखाइए, क्योंकि आप पूरा दिखाओगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये घड़े का दिखा के छोड़ देते हैं। अच्छा, अंदर का इंटीरियर का, बाहर का, पूरा बाहर का देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सच बोला या नहीं बोला। इनका पूरा घर जो मुझे फार्म हाउस जैसा लगता है। अच्छा, ऊपर से जो ड्रोन का शॉट है बड़ा मस्त आया हुआ है, तो ड्रोन का शॉट दिखिएगा कि कैसा लगा। हम पूरी फैमिली है ना, कहीं भी जाते हैं ना, चंडीगढ़ तो बहुत प्लांट सिटी है, ऐसा सोसाइटी है ना कि जैसे पूरा में पौधा लगा रहता है, बिल्कुल बिल्डिंग क्या बगल बगल। अरे बहुत अच्छा प्लानिंग किया हुआ है सिटी का, घर के पास में एक गार्डन सा लगा है, वो अच्छा लगता। तुम्हारी जो है ना चॉइस बहुत मिलती है ना, तो हम लोग ऐसी जगह पे नहीं एडजस्ट कर सकते जहाँ पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, आगे पीछे सारे फ्लैट होना ना। देखिए आजकल का जमाना का मजबूरी है, किसको कहाँ लेके चली जाए कोई पता नहीं। हाँ। नहीं, लेकिन अपना च्वाइस नहीं है वहाँ जाने का, सही बात है। और लखनऊ में भी जो कुछ कुछ जगह है, देखिए चंडीगढ़ टाइप से प्लान किया हुआ है अच्छे। हाँ। से चौरा चौरा सड़क, अच्छा से एकदम हरा भरा, नोएडा में नोएडा का नहीं देखिए। तो हमारा हो गया जी भोजन पानी। भोजन पानी करने के बाद जो है अब बारी है यहाँ से निकलने की। तो जिया जो है वहाँ पर है, अपना पूजा जी से कुछ बातचीत कर रही है, और उधर भाई इधर है, तो अब विदा लेते हैं। तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया, खाना इतना टेस्टी बना था ना कि इतना ज्यादा खा लिया कि ऊपर तक आ गया। और मिठाई यहाँ की इतनी बड़ी होती है ना, इतना बड़ा बड़ा, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा, इतना बड़ा बड़ा मिठाई, और बहुत टेस्टी था। कर लो ठीक है, ज्यादा खा लिया तो आराम से सो जाओ। हाँ, फिर थोड़ी देर में कहेगी कि थोड़ा सुनो ना, नाश्ता कर लो, फिर यार ठीक है बहुत ज्यादा हो गया तो रेस्ट कर लो, अब तो रात ही हो गई सुबह जा, जो इसने कल किया था जो कि आज नहीं चलेगा है ना। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत बहुत एंजॉय किया हमने। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे है ना, बहुत जल्दी हम फिर आएंगे ठीक, और तुम बस बुलाना, बहुत जाएंगे। नहीं हम नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाओगी, कोई बात नहीं, हम खुद ही आ जाएंगे है ना। जैसे कि हमने बोला था कि हमने ये नहीं बोला था कि यहाँ आएंगे, हम जब ये धर आ रहे थे तो हमने बोला था कि मुजफ्फरपुर होके जाएंगे, तुम आओगी और मेरे से मिल लोगी है ना, इसने बोला था ठीक है मिलेंगे। और मन था कि आती मिलती, और उस टाइम इसने कुछ नहीं बोला, और जब हम इधर से आ रहे थे तो बोला कि अब यही आ जाओ, यहाँ से बहुत कम दूरी पे है, तो हम लोग यहाँ आ गए। और जब यहाँ आए हम तो बोले ठीक है मिलके थोड़ा देर में निकल लेना, फिर कहती है कि अब रात हो गया, रह जाओ सुबह चल जाना। इसकी ऐसी प्लानिंग होती है ना। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, और हमारा बहुत ही एक स्पेशल ट्रिप होने वाला है जिसका सरप्राइज रहेगा आप लोगों को। लेकिन अभी कंफर्म है नहीं है ना। कोई बात नहीं, हम कंफर्म करा के यहाँ से जाएंगे है ना। जो कि रुद्र भाई सोच रहे पैसा खर्च ना हो,
नहीं कोई बात नहीं, हम खर्चा करवा के जाएंगे। बहन आती ही है खर्चा करवाने के, बहन आती है खर्च करवाने के, हाँ नहीं भी होगा तो हम कन्फर्म करवा के जाएंगे। तो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया और बारिश भी होने लगी। आए भी तो बारिश हुआ, अब जा रहे हैं तो बारिश हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हो गया, घर देखा हुआ हो गया, आ जाएंगे, रास्ता मालूम चल गया। वही सर, कल का चाबी ले लिया हम। चलिए जिया चलना, ये दो ही बैग था ना, और तो कुछ था नहीं। कपड़ा था इस वाले रूम में ले लीजिए, जब पूजा बुलाएगी हम दौड़ के आ जाएंगे। चल रहे जी, जल्दी से रखते हैं, बारिश सच में तेज हो गया, उसे ठीक है, गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। आगे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जी बारिश होने लगी है काफी तेज, तो इससे पहले कि हम लोग कीचड़ में शायद फंस जाए, तो उसे कीचड़ तो नहीं होना चाहिए, रोड है इधर, तो चलते हैं। आ जाओ जिया, दौड़ के आओ, नहीं भीगना है तो गाड़ी में बैठ गए जी, इंतजार कर रहे हैं जिया के आने का। तो सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफी अच्छा लगा जी यहाँ पर समय बिता करके। लग ही नहीं रहा था कि अपना घर नहीं है, लग रहा था कि अपना एक परिवार है। जी हाँ, हम लोग की अच्छी दोस्ती है, भगवान की दया से जो है सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और आप में से बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी जो है देखने लायक है। अच्छा है जी, बस ऐसे ही हम लोग का मिलना जुलना लगा रहेगा, और जब भी मौका मिलेगा साथ कहीं ट्रिप पर निकलेंगे, एक प्लान भी है। तो जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है भाई, जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, चलते हैं। अच्छा लग रहा है। मेरा फोन? तुम्हारा फोन मेरे पास है, ले लो। अच्छा बाय। अच्छा, भाई जल्दी से बनाइएगा ट्रिप, नहीं तो फिर देख लीजिएगा। तो जिया जो है धमकी भरे लहजा में कह रही है कि यह ट्रिप कैंसिल नहीं होना चाहिए। आए तो कुछ खर्चा करा के जाएंगे ना भाई का, फ्री में कोई बन जाती है। ठीक है भाई, चलते हैं। ओके तो हम लोग निकल चुके हैं और ये रोड देख सकते हैं, और यहाँ से 7:56 मतलब 8 बजे के करीब हम लोग कटिहार पहुँच जाएंगे। और रोड काफी अच्छा है, मौसम भी काफी अच्छा है, बारिश हो रही थी अभी रुक गई है बारिश। ड्राइव कर रहे हैं और फटाफट मुझे अब क्रियांश के पास पहुंचना है। अगर क्रियांश रहता तो एक दो दिन हम लोग और रहते और बहुत एंजॉय करते, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया, एकदम अपने वाले घर वाली फीलिंग आई। पूजा और रुद्र और उनकी मम्मी भी बहुत सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रुक जाने के लिए, लेकिन क्रियांश साथ में था नहीं, तो इस वजह से हम नहीं रुक पाए, वरना हम लोग एक दिन दो दिन स्टे कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। और वो लोग कह रहे थे कि जो वैशाली है वह भी घुमा देंगे आपको, और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो वैशाली के बारे में जी कुछ कुछ इतिहास तो हमें मालूम है, इतिहास जो हमने उसके जरिए जाना काफी इंटरेस्टिंग था। फिर कभी जरूर आएंगे वहाँ पर, एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। अच्छी बात नहीं है, और सर भी भारी हो रहा था क्योंकि पूरी रात ये जगे हुए थे, शादी का दिन था तो जगेंगे ही। मुझे ये लगा कि हाँ रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और पूजा का भी बार बार कॉल आ रहा था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जिसको आप एक बार कॉल करो कि हाँ हमारे घर फंक्शन है आपके यहाँ दौड़ के आ जाए, और जब वो आप बुला रहा है तो आप नहीं जाए, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है, रेस्ट तो करना है ही, आप वहीं कर लेते हैं, इतना रिक्वेस्ट भी कर रही है। तो हम लोग चले गए वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी उन लोग को जब भी हम बुलाते हैं या फिर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो बस एक बार कॉल कर दो, तैयार रहते हैं हर चीज के लिए। तो सामने से भी बनता है कि अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा, क्योंकि एक साइड से कभी भी कुछ नहीं चलता है। अगर मैं कहूंगी कि सिर्फ मेरे कारण रिश्ता ये है तो नहीं, अगर दोनों साइड से रिश्ता निभाया जाता है तभी चलता है, तो वही वाली बात है। और क्रियांश को मन कर रहा है कितना जल्दी मैं उसको देखूं, वीडियो कॉल पे अभी देख रही थी, अभी सो के वो उठा था, एकदम खेल रहा था अपनी दादी के साथ, एकदम एंजॉय कर रहा है वो, उसको तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि हम लोग हैं या नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं उसको। तो फटाफट पहुँचते है घर। 2 hours later।
तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं और गाड़ी यहाँ लगी हुई है और क्रियांश जो है इधर दादी के साथ घूम रहा था, बीच रास्ते में मिल गया। तो खुश है क्रियांश गाड़ी में आकर के। ओए पापा के पास है क्या ये? ठीक ठीक ले रहे ले रहे ले रहे। हेलो क्रियांश। हेलो। तू बहुत खुश है मेरा बेटा ये देख। तालियां तालियां तालियां। बल्ले 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 बल्ले। पापा के पास आएगा। तो क्रियांश हमें रास्ते में ही मिल गया और गाड़ी में आ गया क्रियांश। पापा को पूछी दे दो, पापा को पूछी दे दो फ्लाइंग किसी। अभी सब कुछ करेगा। अभी मेरी बात हर बार मान रही है। हाय कर क्रियांश। हाय 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 बोलना नहीं, हाय करना। हाय आउच। हाय सुने। हाय बाय 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 बाय। बोलना नहीं है, बाय करना। चलो चलो ठीक है, रेस्ट करते हैं। हाँ तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में। अभी क्रियांश को थोड़ा देर समय देते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे।